शराब की दुकानों से बंदी ले रहे भाजपा विधायक बाल मुकुंदाचार्य, जाने किसने लगाया ये आरोप। संजय बाजार में हटवाड़ा हटाने को लेकर रविवार को विवाद हो गया। पहले दुकानदारों ने निगम दस्ते का विरोध किया। सूचना पर आदर्श नगर से विधायक रफीक खान पहुंचे। हटवाड़ा हटाने को लेकर भाजपा और कांग्रेस विधायक आमने सामने हैं। रफीक खान ने भाजपा विधायक बाल मुकुंदाचार्य पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वे शराब की दुकानों से बंदी ले रहे हैं। इस पर विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने कहा कि रफीक खान के आरोप मिथ्या है। हटवाड़े में दुकान लगाने वाले लोगों ने विधायक रफीक खान को पीड़ा बताई। लोगों ने कहा कि पिछले 3 रविवार से निगम परेशान कर रहा है, दुकानों को लगाने नहीं देते हैं। कई वर्षों से इस हटवाड़े में वो सामान बेच रहे हैं, रविवार को बाजार बंद रहता है, आवाजाही में कोई दिक्कत नहीं होती है, इसके बावजूद उन्हें परेशान किया जा रहा है। इस पर विधायक रफीक खान ने कहा कि कई वर्ष से हटवाड़ा लग रहा है, लेकिन भाजपा सरकार इसको बंद करना चाहती है। गरीब लोगों को परेशान किया जा रहा है, कई परिवार ऐसे हैं जो यहां आकर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। रफीक खान विधायक आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा का राज आने से खून उनके मुंह लग गया है। कुछ दिन पहले विधायक बाल मुकुंदाचार्य मांस और शराब की दुकानों पर गए थे। ये सभी दुकानें रात 11 बजे तक खुली रही हैं। वे शराब की दुकानों से बंदी ले रहे हैं, मंथली पैसा लेना शुरू कर दिया है और अब वे चौथ वसूली भी करना चाहते हैं। बाल मुकुंदाचार्य विधायक ने कहा, संजय नगर बाजार की दुकानों से उनका कोई लेना देना नहीं है। वे रफीक खान की विधानसभा क्षेत्र में हैं और मुझ पर गलत आरोप लगा रहे हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र में शराब की दुकानें रात 8 बजे के बाद खुलेंगी तो अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। मांस की दुकानें अवैध रूप से ना खुलें, नियम कायदे में रहकर काम करें। यह पहले ही निगम अधिकारियों से मैं कह चुका हूं। सुरेश महरानिया उपायुक्त सतर्कता शाखा हेरिटेज निगम ने कहा, बाजार को व्यवस्थित कराने गए थे क्योंकि सड़क तक दुकानें सज जाती हैं। ऐसे में यातायात प्रभावित होता है। पिछले रविवार को भी निगम दस्ता कार्रवाई के लिए गया था। संजय बाजार व्यापार मंडल और जयपुर व्यापार महासंघ के पदाधिकारियों की इस मुद्दे को लेकर आज यानी सोमवार को बैठक होगी। संजय बाजार व्यापार मंडल के महासचिव विष्णुदत्त शर्मा ने बताया कि कोर्ट आदेश के बाद भी नगर निगम यहां पर हटवाड़ा चलने दे रहा है। पूर्व पार्षद विकास कोठारी ने कहा कि कोर्ट की अवमानना की जा रही है, हटवाड़ा हटाने और दूसरी जगह शिफ्ट कराने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।